बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार ऋषि कपूर का 67 साल की उम्र में निधन हो गया। तबीयत बिगड़ने के बाद ऋषि कपूर को सर एचएन रिलायंस हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। यहीं ऋषि कपूर ने बुधवार को आखिरी सांस ली। ऋषि कपूर को अंतिम बार देखने के लिए फैमिली मेंबर्स बड़ी संख्या में हॉस्पिटल में पहुंचे। सामने आई जानकारी के मुताबिक ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार हो चुका है। ऋषि कपूर का शव एम्बुलेंस में ले जाकर मुंबई के चंदनबाड़ी क्रीमेशन में उनका दाह संस्कार हुआ। पिता को मुखाग्नि देने के लिए रणबीर कपूर शमशान घाट पर पहुंचे थे। रणबीर के साथ आलिया भट्ट भी लोकेशन पर नजर आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में सिर्फ 21 लोगों को ही आने की अनुमति दी गई। मुंबई के चंदनबाड़ी क्रीमेशन में ऋषि कपूर का दाह संस्कार हुआ। इस दौरान नीतू कपूर, रणबीर कपूर, रिद्धिमा कपूर, रीमा जैन, मनोज जैन, अरमान जैन, आदर जैन, अनिशा जैन, राजीव कपूर, रणधीर कपूर दाह संस्कार में पहुंचे। वहीं सैफ अली खान, करीना कपूर खान, प्रोड्यूसर विमल पारेख, नताशा नंदा, अभिषेक बच्चन, डॉक्टर तरंग, आलिया भट्ट, अयान मुखर्जी, जयराम, राहुल रावेल और रोहित धवन जैसे दिग्गज कलाकार शामिल हुए। आपको बता दें कि ऋषि कपूर को साल 2018 में कैंसर हो गया था, जिसके बाद इलाज के लिए वो न्यूयॉर्क चले गए थे। यहाँ एक साल उनका इलाज चला और वो सितंबर 2019 को देश लौटे। कुछ समय बाद ही उन्होंने अपनी अधूरी फिल्मों की शूटिंग शुरू कर दी। इसके बाद दो बार उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बुधवार रात को फिर उनकी तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां आज 30 अप्रैल को उनका निधन हो गया। दोस्तों, ऋषि कपूर के बारे में अगर आपकी कोई राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। तब तक के लिए धन्यवाद।